भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो वाकई समाज और देश में व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं। वह अपने नए प्रयोगों के द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहते हैं। ऐसे ही एक अधिकारी हैं जिलाधिकारी मन्नान अख्तर, जो अक्सर अपने अच्छे कार्यों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। मन्नान अख्तर द्वारा जनपद के बच्चों की शिक्षा सुधारने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। उनका एक ऐसा ही प्रयास है नन्हा कलाम, जिसके द्वारा वह बच्चों को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी इस योजना के काफ़ी सुखद परिणाम रहे हैं, लिहाजा प्रदेश सरकार द्वारा अगले सत्र से इसे पूरे प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में अपने किस्म के अनूठे कार्यक्रम कौन बनेगा नन्ना कलाम की सफलता के बाद जनपद के शिक्षार्थियों की विज्ञान में समझ उफान पर है और जटिल सिद्धांतों को ग्रामीण अंचल के बच्चे न सिर्फ आसानी से समझ पा रहे हैं बल्कि व्यवहारिक विज्ञान की बातें अपने आसपास के लोगों को भी बता रहे हैं। कौन बनेगा नन्हा कलाम कार्यक्रम इस वर्ष जुलाई से प्रारंभ हुआ तथा अपनी बनावट में यह इतना शानदार था कि बच्चों ने उत्सव के माहौल में इसमें हिस्सेदारी की और आनंदित होकर ज्ञानार्जन भी किया। ये 2018 में जो प्रतियोगिता कौन बनेगा नन्हा कलाम से हमें यह लाभ हुआ कि मतलब कि हम पहले बहुत कम पढ़ते थे और इस समय हमारी पढ़ाई दुगनी हो गई है। हमारा आत्मविश्वास जगा है। हमें इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट और इतना आत्मविश्वास नहीं था और इससे पहले हमने कभी भी किसी परीक्षा में ना ही पार्टिसिपेट किया था। इस परीक्षा से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। नन्ना कलाम इतनी गरीबी में होकर भी पढ़ाई कर सकती हैं तो हमारे पास तो इतने संसाधन हैं कि हम पढ़ सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व हमें यह प्रेरणा देता है कि व्यक्ति चाहे इतना गरीब हो चाहे उसके लिए उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो लेकिन वह अपने जैसे सपने देखेगा वहां तक पहुंच सकता है। और उनके APJ अब्दुल कलाम के पिताजी एक नाव के थे, इसी प्रकार हमारे पिताजी भी मतलब कि फल बेचते हैं खरीद के, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऊपर तक मतलब कि अपने सपने तक पहुँच सकूँ। अब्दुल कलाम जी ने हमें सपने देखना सिखाया है और उन्हें पूरा करना भी। उन्होंने कहा है कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मैंने भी एक सपना देखा है इंजीनियर बनने का, जिससे मैं अपने देश, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की सेवा कर सकूं। कलाम साहब का व्यक्तित्व हमको आगे बढ़ने का, सपने देखने का प्रेरणा देता है कि अच्छे सपने देखो, आगे बढ़ो, बड़े सपने देखो। सपने देखकर ही काम कर सकते हैं। जब सपना नहीं होगा तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा। जब सपना हमारा तो हम उसमें सपना देखेंगे तो कुछ बन जाएंगे। जिज्ञासा है, ललक है कुछ करने की, उसको लेकर के जब हम ये समाज के बच्चों के स्कूल के बीच में पहुंचे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और बढ़ चढ़ के आपको बता दूं मैं कि हमने जो वेबसाइट डेवलप किया था उसमें 48,000 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, तो इससे आप देख सकते हैं कि इस टीम का जो काम था और टीम वर्क था उसने बहुत अच्छे ढंग से इसको निभाया। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जिलाधिकारी मन्नान अख्तर ने जिला विद्यालय निरीक्षक भगवत पटेल, बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश शाही के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा गढ़ी और इसके बाद विज्ञान क्लब के विनय गुप्ता, अर्चना त्रिपाठी, अनिल गुप्ता, शैलेंद्र निरंजन आदि विज्ञान विशेषज्ञों की टीम इस महत्वाकांक्षी यज्ञ में जुट गई। बच्चों में जो है एक विज्ञान के प्रति एक अच्छा माहौल बना, अच्छा एटीट्यूड डेवलप हुआ, तो इसको लेके हम लोगों ने जो है भारत विकास परिषद को इसमें इन्वॉल्व किया है और उनके साथ हमने एक टीम की गठन की है जिसमें जो है पूर्व प्रिंसिपल भी हैं हमारे, तो ये टीम जो है इसको हर साल जो है मेंटेन करेगी और हर साल इसकी परीक्षाएं भी कराएगी उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हमने इस बार कराया है, क्योंकि एक सेट पैरामीटर्स और सेट क्राइटेरियाज हमने दे दिए हैं। उस टीम को बस जो है उसको आगे बढ़ाना और अपने नए नए इनोवेशन करने, तो ये मेंटेन रहे इसलिए हमने जो है एक टीम की गठन की कि अगर जो सरकारी कर्मचारी है वो चले भी जाएं तब भी एक संस्थागत ढांचा जो है वो बना रहे और एक संस्थागत इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है वो बनी रहे ताकि ये लगातार चलते रहे। इस सुदूर आंचल के लिए हम लोगों ने जिला स्तर की एक विज्ञान संचारक की टीम गठित की गई और उसके लिए हम लोगों ने विद्यालय जा जाकर के हमारे विज्ञान अध्यापक गए, बच्चों को बताया इस योजना के बारे में। इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई थी, वो वेबसाइट में से बच्चों के नाम एंट्री किए गए और साथ में तहसील स्तर पर एक कार्यशालाएं आयोजित की गई अलग अलग,
और इसके बारे में विस्तार से योजना बताई गई। बढ़िया परीक्षा कराने के लिए हमने प्राइमरी लेवल से लेकर और माध्यमिक स्तर तक की सारी साइंस की पुस्तकों का ठीक से अध्ययन किया और हम बिल्कुल अपडेटेड हो गए। और इसके बाद दूसरा चरण हमने जो उठाया वो हमने समसामयिक समस्याओं का उठाया, जो जीवन में बिना साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के हम उन चीजों से जीत नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे वाटर सस्टेनेबिलिटी है, ऊर्जा संरक्षण है, जैसे आपदा प्रबंधन है बहुत तरह के, जैसे भूकंप आपदा प्रबंधन है और बाढ़ आपदा प्रबंधन है, और इसी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल की प्रॉब्लम आजकल आ रही है। तो इसमें हम कैसी टेक्नोलॉजी लगाएं, क्या करें, बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चंस पैदा हों, हमने ऐसी कोशिश की। इसके साथ साथ जो APJ अब्दुल कलाम का एक विजन था कि हम तब तक एक अच्छे वैज्ञानिक नहीं बन सकते जब तक हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग ना हो, तो उसके लिए हमने बच्चों के सामने ऐसे क्वेश्चंस लाए जिससे कि बच्चों को लगे कि हमारे इस जीवन का बहुत गहरा महत्व है और हमें इस जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इस कार्यक्रम के जो नतीजे आए हैं उस आधार पर अगली बार के लिए आप क्या नया जोड़ना चाहेंगे? हम इस बार चाहेंगे कि ओपन कर दें सबको और 12 तक इसको ले जाएंगे, हम 11, 12 के बच्चे भी हम इसमें शामिल करते हुए और इसको और बृहद रूप में देंगे। इस साल जैसे 48,000 बच्चों ने जो है ना रजिस्ट्रेशन कराया था, हम चाहेंगे कि जो लगभग 1,90,000 बच्चे हमारे बेसिक और माध्यमिक को मिलाकर के हैं जनपद में, इस बार सभी बच्चों को इसमें प्रतिभाग कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाई गई, स्वयं से ही संस्थाओं ने प्रचार किया और 1,021 विद्यालयों के बच्चों ने कार्यक्रम हेतु नामांकन किया। जोरदार तैयारी हुई, जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल तक ने बच्चों में जोश भरा और 16 जुलाई को जब 1,021 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई तो यूं लगा कि लोक सेवा आयोग की ही कोई परीक्षा हो रही है। 40,000 में से 1,964 बच्चे छाटे गए। दूसरी परीक्षा 24 अगस्त को हुई। इसके बाद विज्ञान क्विज, मॉडल प्रदर्शन, निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, विज्ञान मनुष्यों के व्याख्यान, दृष्टिकोण, प्रस्तुतिकरण के बेहद उपयोगी चरणों के बाद 15 नन्हे कलाम चुने गए। कानपुर के विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी HC वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इसमें कानपुर की भौतिकी प्रयोगशाला अन्वेषिका ने बच्चों को ऐसी दीक्षा दी कि बच्चे कुछ नया करने को प्रतिबद्ध हो गए। इन नन्हे 15 कलाम ने अन्वेषिका में विज्ञान के गुण सिद्धांतों को सीखा और आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की। जिलाधिकारी मन्नान अख्तर ने इन विजेताओं के बेहतर भविष्य के लिए सीओ राडार फाउंडेशन सहित कई संस्थाओं को पत्र लिख इन नन्हे कलामों की प्रतिभा के बारे में बताकर नए अवसरों की जमीन तलाश की। कौन बनेगा नन्हा कलाम कार्यक्रम ने जिले की फिजाओं में ऐसा जादू बिखेरा है कि यदि प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर जालौन की पटकथा दोहराई जाए तो हमारा देश भी विज्ञान की समझ व नवसृंजक वैज्ञानिकों से मालामाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है, उसने इसमें खुद जो है रुचि दिखाई है और उन्होंने ये प्रयास उनका जारी है कि इसको हम प्रदेश लेवल पे लागू करेंगे। जो बच्चे 15 नन्हे कलाम चुने गए हैं, हम उनको एक जो है काफी अच्छा एक्सपोजर देना चाहते हैं। हमारा जो मकसद है वो स्कूल की पढ़ाई से आगे बढ़कर है। हमारा मकसद ये कि ये बच्चे जो है कहीं ना कहीं इन सारे चीजों से आगे बढ़ते हुए एक देश के लिए जो है एक साइंटिस्ट के तौर पर या अच्छे अपने फील्ड में आगे होते हुए एक साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हुए वैज्ञानिक सोच रखते हुए जो है योगदान करेंगे।